हाय यू यू और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपको पता ही है कि ईद आने वाली है, तो ईद के हवाले से कुछ इस तरह की AI इमेज आजकल सोशल मीडिया पे फुल ट्रेंडिंग में चल रही हैं और इनको बनाना बहुत ही सिंपल है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह की AI इमेज और ट्रेंडिंग इमेज कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में और फुल HD। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर ओपन करना है, वहाँ पर आपने सर्च करना है बींग चैट विद AI GPT। कुछ इस तरह ऐप का इंटरफेस जो होगा इसको कर लेना है आपने इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल आपने इसे ओपन करना है। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा, यहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट बींग अकाउंट की ID लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद सिंपल आपने इमेज क्रिएटर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इमेज क्रिएटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा, तो यहाँ पर आपने लिखना होता है प्रॉम्प्ट, यानी कि टेक्स्ट लिखना होता है। जैसा आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे वैसे ही AI इमेज जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, तो आप इसे सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं और जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है वहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये वाला प्रॉम्प्ट लाजमी नहीं कि आप इंग्लिश में लिखें, आप अपनी ज़बान में भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद सिंपल आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है, तो ये वाली इमेज आपकी जनरेट हो जाएगी। ये देखें गाइस कितनी कमाल और प्यारी उसने AI इमेज जनरेट करके दी है। ये वाली चेक करें, ये देखें, ये देखें। तो अगर आप भी कुछ इस तरह से बनाना चाहते हैं तो जस्ट आपको इस तरह का प्रॉम्प्ट लिखना है, और ये वाला प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजीली कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ थोड़ी सी चेंजिंग और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो मैं आपको दिखा। यहाँ पर मैंने किया है थोड़ी सी चेंजिंग और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आपके सामने, ये देखें कितनी प्यारी उसने ये इमेज जनरेट करके दी है। ये चेक करें, ये देखें। तो अगर आप भी कुछ इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आपको ये वाला प्रॉम्प्ट यूज़ करना है, और ये वाला प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।